कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ मथुरा वृंदावन दर्शन करने। तो दो दिन बाद गाइस कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम लोग दो दिन पहले जा रहे हैं। ये ब्लॉग आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ और मेरा एक दोस्त है सौरभ वर्मा, इलाहाबाद में रहता है वो। तो मैं यहाँ गांव से जाऊँगा शाम 5 बजे, यहाँ जाऊँगा बस से। उसके बाद वहाँ सौरभ रहेगा, उसके बाद रात 11 बजे का ट्रेन है। तो हम दोनों यहाँ जा रहे हैं मथुरा वृंदावन दर्शन करने। गाइस, ऐसे ही ब्लॉग में जुड़े रहिए, आप सबको पूरा मथुरा वृंदावन दिखाएंगे। अभी तो गाइस मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने, पैकिंग करके मिलते हैं। गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रश और मंजन भी ले लेता हूँ मैं। उसके बाद गाइस एक शर्ट ये है, ये ले जाऊँ शर्ट, और एक जींस का पैंट, और एक लोअर एक टी शर्ट। गाइस, जो मैं दो दिन के लिए जा रहा हूँ, क्या करूँगा बहुत सारे कपड़े ले जाके। गाइस, पैकिंग करके तब निकलता हूँ यहाँ से मैं, शाम 5 बजे निकलूँगा। उसके बाद तब सौरभ मिलेंगे वहाँ पे। गाइस, चलिए पैकिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं, ये रहा पूरा मथुरा का व्यू। तो गाइस, मैं रास्ते में कुछ शूट नहीं कर पाया, आप सबको दिखाते हैं सौरभ को। ये रहा सौरभ। राधे राधे, आज हम लोग आए हैं यहाँ मथुरा वृंदावन दर्शन करने। तो अभी अभी आए हैं हम लोग, कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। अभी यहाँ सामान वामान रखा हुआ है, अभी हम लोग जा रहे हैं, फ्रेश होंगे, उसके बाद नहा कर तब यहाँ से निकलेंगे राधा कृष्ण मंदिर, उसके बाद गोवर्धन पर्वत, प्रेम मंदिर। ऐसे ही आप सब वीडियो में जुड़े रहिए, आप सबको पूरा लाइव दर्शन कराएंगे। राधे राधे। गाइस, ये है कृष्ण जन्मभूमि, बाहर का व्यू आप सबको दिखा दे रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। गाइस, हम लोग कृष्ण जन्मभूमि दर्शन कर चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुआ, वहाँ पे फोन नहीं अलाउड था। अब चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर, तब आप सबको दिखाएंगे। हाँ, तो गाइस, हम लोग द्वारकाधीश के लिए निकल चुके हैं। हाँ, तो गाइस, हम लोग ऑटो से उतर के द्वारकापुरी के लिए प्रसाद ले लिए हैं, जाएंगे। ये मंदिर है, ये मंदिर का गेट है, यहाँ फूल ले रहे हैं। चलो, हाँ, तो गाइस, हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं बहुत भीड़ है यहाँ पे, यहाँ मोबाइल नहीं अलाउ है, तो अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, देखिए बहुत भीड़। हाँ, तो गाइस, द्वारका धाम का दर्शन करके हम लोग वृंदावन के लिए निकलने वाले हैं। बस का इंतजार हो रहा है, बस आएगी वृंदावन, यहाँ 14 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो गाइस, हम वृंदावन पहुँच चुके हैं, बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ फूल उल लेंगे, प्रसाद फूल, उसके बाद अंदर जाएंगे। राधे राधे। हम लोग वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करके अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर, आप सबको पूरा दिखाएंगे। सौरभ भाई, हाय कर दो। तो गाइस, आप सबको दिखाएंगे, ऐसे वीडियो में जुड़े रहिए। हाँ, तो गाइस, हम वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करके यहाँ प्रेम मंदिर पे आए हैं। यहाँ देखो, मोबाइल अलाउ है, आप सबको दिखाते हैं। ये है प्रेम मंदिर, और ये आखिरी है, यहाँ के बाद हम लोग सीधा रूम पे जाएंगे। ये सौरभ लगे हुए हैं फोटो खींचने में। हाँ, तो गाइस, ये है पूरा प्रेम मंदिर, कितना बढ़िया नज़ारा है, सब आप सब देख सकते हैं। ये देखिए रेड कलर। क्यों मैं
हाँ तो गाइस हम लोग अभी अभी रूम पे आ रहे हैं, प्रेम मंदिर के बाद सीधा हम लोग रूम पे आए हैं। आज हम लोग बहुत जगह गए, एक दिन में 4-5 जगह दर्शन कर पाए हैं, जो कि आप लोग ब्लॉग में देख रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।